की तरफ। तो गाइज यहाँ पर जो मेरे पास अब एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटर। तो गाइज इसकी लिंक आपको सेम यही चीज़ें सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जैसे हर बार आपको मिल जाती है। और गाइज इसके बाद लिंक को पेस्ट कीजिए, इंटर कीजिए, आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। लेटेस्ट वर्जन जो है 3.4.0 आपको इसका ही एक्टिवेशन की मिल रहा है। इस सॉफ्टवेयर को भी मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं बताऊंगा, आपको मुझे बताना है कि ये की कितने दिन के लिए एक्टिवेट हो रही है आपके सिस्टम में। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये कि ये लिमिटेड सिस्टम्स के लिए रहती हैं ये जो की रहती हैं। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो के अपलोडिंग के बाद आप मैक्सिमम इसका 1 मंथ मान लो, 1 मंथ में ये एक्सपायर हो जाएगी शायद से। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इसे कभी सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर से इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इस की को डालकर जेन्युइन वर्जन एक्टिवेट कर लीजिए। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, आई अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेटर। तो गाइज ये जो आपके जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं आपके सिस्टम में ये उन्हें ही अपडेट करता है, ठीक है। उनका कभी आपको उनकी जो वेबसाइट पे जाकर बार बार डाउनलोड कर करके इंस्टॉल करने से आप बचना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक उन सॉफ्टवेयर्स का अपडेट डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक जिस टाइप से ड्राइवर अपडेट होते हैं अपने सिस्टम के उसी टाइप से सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देगा, बहुत काम का है। तो गाइस अब आप पूछेंगे कि हम इसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप सारे आईबॉट के अपडेट कर सॉरी एक्टिवेट करते हैं सॉफ्टवेयर उसी टाइप से आप इसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर इंटर कोड, इंटर की या इंटर लाइसेंस की इस टाइप पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको डायरेक्ट इजली वहाँ पर क्लिक करना है और जो आपकी ये वाली जो है की होनो लाइसेंस की आपको इन्हें पेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आप मैनेज लाइसेंस आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, या आपको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा ये कि आपका कौन सा वर्जन है। उसके बाद कभी आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको एक अबाउट सॉफ्टवेयर करके आ जाता है, वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको कितने दिन के लिए एक्टिवेट हुआ है। जैसे मेरे इसमें यहाँ पर ड्राइवर बूस्टर में मैनेज लाइसेंस करके आ रहा है तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो आप उसके में देख कर मुझे बताइएगा कि कौन सी की ने आपके कितने दिन के लिए आपके इसमें एक्टिवेट हुई है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही किसी एक्साइटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।